हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और 5 बजे उठ गया था मैं। 5 बजे हमारा बड़ी हमारे लिए चाय ले आता है, तो 5 बजे उठ गया था। तो गाइस, अभी मुंह धुलने के लिए यानी कि नहाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज संडे है तो मंदिर में जाना है, तो एक बार दोबारा फिर नहाने के लिए। तो अभी थोड़ा पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म जैसे ही हो जाएगा उसके बाद पहले तो नहा धो करके रेडी हो जाते हैं मंदिर में जाने के लिए, और फिर मंदिर की कार्रवाई होगी। तो गाइज, नहा धो करके रेडी हो गया हूँ मैं, और आज है मंदिर पेट, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मंदिर में चलते हैं, पहले मंदिर की आवाज़ आपको पीछे से सुनाई दे रही होगी, तो पहले मंदिर में चलते हैं और मंदिर के दर्शन करके, और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो भी होती है तो वो आगे होती रहेगी। तो गाइस, कीर्तन भजन होने के बाद ये हमारा जो मंदिर है इसमें आरती हो चुकी है, और आरती के बाद ये मंदिर आप देख सकते हो। और आरती के बाद जो आरती होती है उसको चारों तरफ घुमाया जाता है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये चारों तरफ आरती को ले जा करके तो घुमाया जा रहा है लड़कों के पास। और सभी लड़के जब आरती पूरा ले लेंगे उसके बाद जो आपका प्रसाद होता है उसका वितरण किया जाता है प्रसाद का। तो ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और इस वीडियो में फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो गाइस, अभी अभी नाश्ता कर दिया है मैंने और प्रदीप सर ने, तो अभी लड़के भी नीचे नाश्ता कर रहे हैं। तो प्रदीप सर निकल गए हैं थोड़ा सा कहाँ किसी काम से मार्केट, तो अभी मैं हूँ यहाँ पर। और गाइस, हमेशा की तरह 9:30 बजे ये फॉलिन हो चुका है, और ये है वर्किंग का फॉलिन, जिसमें सभी कंपनी सीनियर अपनी अपनी कंपनी के सामने लगे हुए हैं, और ओवरऑल सीनियर आगे सामने लगा हुआ है। और ये जो है यहाँ पर ड्यूटी बढ़ती है, तो ड्यूटी बांटने का काम अभी ओवरऑल सीनियर को दे रखा है, जो टॉप मोस्ट सीनियर होता है उसको, तो यहाँ पर और ये बांट दी है, और ये इन लड़कों को की ड्यूटी लगा रखी है पानी सारने में। तो आज ये डेल्टा कंपनी की ड्यूटी पानी में लगी है, और बाकी कंपनी से दो दो तीन तीन लड़के जो है वो सफाई में लगे हुए हैं। किसी इनकी ड्यूटी बाहर की सफाई में लगी है, ये दो लड़के जो साफ कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो। और ये सीढ़ियों में कुछ लड़कों की ड्यूटी सीढ़ियों में लगा रखी है, और ये कुछ लड़कों की ड्यूटी कमरे में लगा रखी है, और ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये इस तरीके से सफाई का जो वो चलता है यहाँ पर, और ये हॉल जहाँ पे रोल कॉल होता है ये वहाँ की सफाई में लगा रखे हैं कुछ दो तीन लड़के, तो ये आप देख पा रहे होंगे। और ये लड़के जो आउट पास जा रहे हैं उनका ये रजिस्टर मेंटेन होता है, तो जितने भी लड़के आउट पास जाते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह नोट किया जाता है, और उसी टाइमिंग के हिसाब से इनको कुछ टाइम दिया जाता है इन होने के लिए, तो उस बीच के टाइम में इनको अपना सारा काम करना होता है। तो गाइस, शाम के बज चुके हैं 4, और यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जब भी हमारा ये कैंप चलता है, तो आज संडे है तो संडे आज पूरा फ्री था, तो इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी हो गया हमारा बैडमिंटन स्टार्ट, वरना 5 बजे स्टार्ट होता है, तो आज थोड़ा सा जल्दी कर दिया है बैडमिंटन स्टार्ट। तो यहाँ पर प्रदीप सर हमारे लगातार खेल रहे हैं, और साथ में ओमी है, और ये आप देख पा रहे होंगे हमारे बगल पड़ोसी, और ये शानदार मैच चलता हुआ यहाँ पर। Thank you.
गेम पॉइंट। तो गाइज अभी अभी थोड़ा सा बैडमिंटन वगैरह खेला और अब रूम पे आ गया हूँ मैं। तो अभी थोड़ा सा मंदिर परेड भी चल रहा है, आज से शाम को मंदिर परेड भी स्टार्ट हो गई है कंपनी वाइज। तो गाइज अभी अभी मैं अपने रूम पे पहुंच रहा हूँ, खाना पीना हो चुका है हमारा। तो गाइज पहले बैडमिंटन खेल रहे थे तो आपने देख लिया होगा कि कौन जीता और बहुत ही बढ़िया मैच चला। उसके बाद डबल में भी चला, डबल का वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैं खुद खेल रहा था। तो गाइज ये आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और गाइज अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। और गाइज मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।